अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपके साथ एक छोटी सी अपनी रेसिपी शेयर करूंगी, बिल्कुल सिंपल और मज़े की देसी चिकन शोरबा। बस आपको ऐसे ही करना है देसी चिकन का शोरबा। मैं तो इसमें डालती हूँ ऑयल डालें, देसी घी डालें, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, मैंने कुछ तैयारी पहले कर ली थी तो आज मैं चलो पहली वीडियो शेयर कर रही हूँ। हल्का फुल्का कुछ प्याज और कुछ काट के उसको बॉयल कर लिया। ये मेरे घर वालों को मेरे हाथ का बना हुआ शोरबा बहुत पसंद है। ठीक है, तो इसलिए मैंने टमाटर प्याज की पेस्ट बना ली। अब इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी। मैंने अपने बेटे के जिम्मे लगाया कि थोड़ी सी वीडियो बनाए, वो अपनी बुक्स लेके बैठी हुई थी, आज मेरे कहने पे वो आ गई। देखते हैं, अल्लाह करे अच्छा बन जाए। अभी मैं मसाला भून रही हूँ। ठीक है, एक साथ आपके साथ ये भी शेयर करूँ, ये देखें, मैं आजकल मुझे थोड़ा सा सब्जियों का शौक चढ़ा हुआ है, गार्डनिंग का, तो मैंने अभी पुदीने का ये इसकी पनीरी बना रही हूँ। तो जब ये ग्रो कर जाएगा तो इसको गमले में लगाऊंगी। ये देखो, मैंने इसमें इसको ग्लास में रखा हुआ है। ठीक है, किसी दिन आप सब ने घर की क्यारी में करेले का बीज किए थे, वो माशाल्लाह बहुत बड़ी सारी बेल बन गई। कुछ पनीरियाँ बनाई मैंने शिमला मिर्च की, सब्ज मिर्च की, इन सब की, तो वो अल्लाह के फजल से छोटे 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 उसके पौधे निकल आए हैं। थोड़े से और बड़े होंगे तो फिर उनको मैं गमलों में शिफ्ट कर लूँगी इंशाल्लाह। एक हाउसवाइफ हूँ मैं, घर की रूटीन मेरी सिंपल सी है। ठीक है, अब छोटे छोटे कामों में ये मेरे बच्चों में कब से इसको करना सोच रही थी, लेकिन मेरे बच्चों के पास टाइम नहीं होता कि वो मेरी इसमें हेल्प करें, तो आज मैंने सोचा चलो ट्राई कर ही लेते हैं। मसाला तकरीबन ऑलमोस्ट भून चुका हुआ है। ठीक है, मैं मसाला ज़्यादा जलाती नहीं हूँ, मुझे ज़रा थोड़ा सा कम भुना हुआ मसाला ही अच्छा लगता है, लेकिन कच्चा भी ना हो। ठीक है, हमारे घर में ब्रॉयलर मुर्गी इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, बहुत कम, अगर कभी मुर्गी बनाएं तो हम कोशिश करते हैं कि देसी मुर्गी बनाएं। कल तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत लाइट सा और यमी सा शोरबा बनता है। मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को मेरा ये बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल मेथड वाला ये पसंद है। बहुत सारे तरीक़ों से बनता है, हर एक इंसान का अपना बनाने का तरीका होता है, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ। आप देख रहे होंगे मेरा प्रेशर कुकर स्टेनलेस स्टील का, मुझे सिल्वर से बहुत चढ़ा, इसलिए मैं ये इतना एक्सपेंसिव अपना कुकर खरीदा मैंने शालमी से। ठीक है, कुछ थोड़ा सा मैं देसी पंजाबी सी बंदी हूँ, तो मैं हर चीज़ ऑर्गेनिक यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। मेरी मिर्चें, हल्दी, मसाला जहाँ सब ऑर्गेनिक होते हैं, और इवन ये कि जहाँ से मैं खरीदती हूँ वो तो मुझे घर डिलीवर करते हैं, और बिल्कुल देसी चक्की जो पहले ज़माने में पत्थर की चक्की होती थी वो वाली है। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आप लोगों का उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकती हूँ, अगर आप लोग लाहौर से हैं तो। आटा, मिर्चें, मसाले सब उनके पास आपको बिल्कुल प्योर मिलेंगे। शायद पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो मेरे वीडियो की, क्योंकि मेरा कैमरा वही मोबाइल इतना कोई बहुत हाई फाई नहीं है, एवरेज नॉर्मल सा है। ऐसे तो रंग अच्छा आ रहा है वीडियो में, पता नहीं कैसे कलर आएगा इसका, क्योंकि जहाँ पर मैं सालन बना रही हूँ वहाँ पर तो बहुत अच्छी लाइट भी नहीं है। ठीक है, ये देखें, डॉक्टर्स हर आजकल हर इंसान स्टेनलेस स्टील से, वो सिल्वर स्टील से बचना चाह रहा है, इसलिए स्टेनलेस स्टील फिर भी दूसरे बर्तनों से बेहतर है। ऐसे सबसे बेहतर मिट्टी के बर्तन है,
मैंने मिट्टी की हांडी में खाना बनाती थी, लेकिन हर 2 माह बाद वो हांडी टूट जाती, फिर मैं स्टील पे आ गई। लेकिन कभी कभार ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो फिर मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ। करके अब इसे पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर पकने दूँगी। और मेरी की आदत है कि जब भी मैं कोई शोरबा या कुछ ऐसे किसी में पानी ऐड कर वो भी गर्म करके डालती हूँ, जिससे टेक्स्चर भी अच्छा आ जाता है और जल्दी वो बॉइलिंग पॉइंट में भी आ जाता है और ठंडे और जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल रहता है ना। ये मैं भुनाई में थोड़ी सी अब देख रहे होंगे इसमें सबज पत्ते नज़र आ रहे हैं, जब मैं भुनाई के लास्ट पॉइंट पे करती हूँ तो थोड़ी सी सबज धनिया इसमें डाल देती हूँ, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। चलिए ठीक है, फाइनल टच पे इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको वैसे रख देती हूँ, 5-10 मिनट में ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। हम रात को खाना बनाते हैं ना, इसीलिए साथ साथ तैयारी हो रही है। आटा भी गुन गया है, हाथ भी गुन, आटा भी गुन गया। इंशाल्लाह जब आएंगे सब तो फिर रोटियां भी बना लेंगे हम लोग। आज जब मैं किचन में घुसती हूँ तो तीन चार काम इकट्ठे कर लेते। अभी मैंने नगेट्स का बनाया है अपना, तो कभी आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने चिकन नगेट्स नहीं बनाए, मैंने मटन के नगेट्स आज ट्राई किए हैं बच्चों के लिए। बस ये हो रहा है, अभी 5 मिनट और हैं, आलू गल जाएंगे। थोड़े से मैंने आलू भी डाल दिए, बच्चे ज़रा पसंद करते हैं इसीलिए ना। बस देखें अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। ये रही जी फाइनल लुक, और थोड़ी सी मैंने इसमें धनिया डाल दी है, थोड़ी सी मैं पहले डाल दी थी। अभी इतनी सिंपल और आसान रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मैं बहुत ज़्यादा मसाले और मिर्चें वगैरह नहीं डालती, और देसी मुर्गी का मज़ा ही इसी में आता है शोरबे में, कि जितने कम मसाले होंगे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये कोशिश। हाँ, मेरी सांस फूल रही है क्योंकि मैं मोटी बहुत हूँ, बात करती हूँ तो मेरी आवाज़ इस तरह भर जाती है, तो बस यही बात है और कुछ नहीं। बाकी बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल मेरे को, और बताइए कैसे ये रेसिपी लगी, और बनाइएगा घर में आप। ओके जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।